सो हे गाइस, हम फाइनली अपने फेरी की तरफ आ चुके हैं। तो ये यहाँ पे वेटिंग एरिया है, तो हम यहाँ पे बस अपने फेरी का वेट कर रहे हैं। देन अभी टाइम हो रहा है 5:30, सो अभी हमारी फेरी को आधा घंटा है। फिर हमने सोचा कॉफ़ी पी लेता है, तो हम यहाँ पे गए, मेरे हस्बैंड को नींद आ रही थी। देन फिर हमने कॉफ़ी के लिए अपना कार्ड वर्क पुट किया, अंदर डाला, एंड उसके बाद यहाँ पे जो कॉफ़ी थी 1 pound की थी, बहुत चीप थी। अदरवाइज़ यहाँ पे इतना सस्ता कुछ मिलता नहीं है, बट ठीक थी कॉफ़ी भी। एंड देन उसके बाद मैंने मेरे लिए मेरे हस्बैंड ने हॉट चॉकलेट लिया और अपने लिए नॉर्मल कॉफ़ी। गाइस, तो अभी हमने बस कॉफ़ी पी रखी है। अभी हमारा जो फेरी है अभी आया है, बस आधा घंटा और फिर हमारी फेरी आने वाली है, फिर हम अपने घर होंगे। और पता है सीरियसली बहुत ज़्यादा सोने का मन कर रहा है, बहुत खान हो गई। बस देख रही हूँ जो क्या कहेंगे पता, चलो ठीक है, मुझे मुझे याद आएगा, मैं बता रही हूँ। 1989 का है, माना 1989 का, और अभी 23 है, काफ़ी पुराना। पर ठीक है, चलो मैं अंदर जाती हूँ, अंदर जा फिर मैं आपको मिलती हूँ। और मेरा ये बटरफ्लाई वाला जो है मैंने यहीं से लिया था, कैसा लग रहा है मुझे मेरा स्क्रंची या। तो गाइस, अभी बस मैंने भी अपने घर पे बात की, तो इंडिया में तो अभी 9:30 के बीच में बात की थी, तो ठीक है अभी ये टाइम हुआ है। तो यहाँ पे तो बस मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे कि चलो ठीक है, अच्छे से जाना, कि फिर तो सो जाएंगे। बट ठीक है, अब हम भी जाते हैं और फिर मैं आपको लास्ट अपना फेरी का दिखाऊंगी, उसके बाद इस वीडियो को एंड करूँगी, फिर कैंसिल के वीडियो सबके साथ शेयर करूँगी। बाय। सो गाइस, हमारा फेरी का टाइम हो गया और सब लोग फेरी का इंतजार कर रहे हैं। ये लोग तो अभी आ रहे हैं, तो काफ़ी एनर्जेटिक है, तो खुश हो के आ रहे हैं। अब जो है लोग, जैसे हम जा रहे थे बहुत टायर्ड है, और ये लोग जा रहे तो सब फोन पे लगे हैं, टायर्ड है। जैसे वो बहू को देख लीजिए, बहू भी बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही है, अम्मा के साथ बैठे हैं, अम्मा के साथ फोन लगे हैं। अंग्रेज बहू और अंग्रेज अम्मा दोनों बने हैं सेक्सी हॉट। अम्मा बहू की जोड़ी को वोट जरूर करना आप लोग। सो फाइनली अब हम लोग जाने लग गए, क्योंकि हमारी जो फेरी की अनाउंसमेंट थी वो हो चुकी है। यहाँ पे बस हमारी चेकिंग हो रही है, हमारे टिकट वगैरह चेक करेंगे, देन हम आगे को गए। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था विंडो से बीच, एंड यहाँ पे फिर थोड़ा सा हमें रुके, क्योंकि हमें गाड़ी लेने आएगी, तो 10-10 लोगों को लेके जा रही थी वो पहले। तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़े, तो इसमें ना बहुत अच्छा था, ये रेलिंग गैलरी टाइप का था, तो काफ़ी बड़ा था ये, जैसे फ्लाइट में होता है ना वैसे ही इसमें भी था, बट ये कुछ ज़्यादा ही लंबा था। तो फिर उसके बाद हम लोग बस ऐसे चलते गए, फिर इधर बाहर हमें रोड दिख गई, तो हमने लगा ओ या फाइनली अब रोड पे पहुंच चुके हैं, और हमारी जो गाड़ी थी ना वो भी आ चुकी थी। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे जा रहे थे ना, तो हमें यहाँ पर एक बच्चा दिखा, ये बस हमें देखे जा रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद हमारी जो गाड़ी थी वो आ चुकी थी, फिर हम लोग बाहर गए और हमने अपना सामान वगैरह रखवाया उस गाड़ी में। देन हम दोनों आगे की सीट में बैठ गए थे, बाकी वो पीछे बैठे थे, ये ड्राइवर थे। देन उसके बाद हम लोग आगे गए, गाड़ी में हमारी गाड़ी चलने लग गई थी, थोड़ा सा ही डिस्टेंस था 5 मिनट का, तो हम इसमें जो हमारी फेरी थी ना उसमें एंटर कर चुके हैं। ये उसका ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ रहती है, जो लोग दूसरे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते हैं ना, तो उनको जैसे अपनी गाड़ी ले जानी है तो वो ले जा सकते हैं। ऐसे होता है कि उनको बस वगैरह का ट्रैवल नहीं करना है, तो ये ज़्यादा अच्छा भी है। और फिर उसके बाद हम लोग ऊपर गए, यहाँ पे क्या था, ये रेस्टोरेंट वगैरह था, टेबल्स वगैरह लगी हुई थी, बट फिर हम लोग ये जो था इसका फर्स्ट फ्लोर था, फिर हमने सोचा कि नहीं यहाँ पे नहीं जाते, आज हम लोग ना ऊपर बैठते हैं टेरेस वाले पे। तो फिर उसके मतलब टेरेस पे नहीं, जो सबसे टॉप का फ्लोर था उस पर, देन हम लोग ऊपर को गए, तो ये क्या था, बार सेक्शन था बेसिकली। देन हमने यहाँ पे ना विंडो वाली सीट ले ली थी, और जो इधर बार था वो ओपन नहीं था, बट यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने विंडो सीट ले ली थी। इधर से क्या है कि हम ऊपर से पूरा मतलब बीच वगैरह देख सकते हैं, और इससे बाहर हम बालकनी में भी जा सकते हैं, इसलिए हम इधर बैठे। और फिर हम बाहर आए, तो ये बीच वगैरह हम लोग देख रहे थे, अभी मैंने अंदर से वीडियो बनाया।
देन फिर हम अब फाइनली बाहर आ गई, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरा था कि एक बार हम लोग ना ऊपर जाए, क्योंकि मैं जब उस दिन हम आ रहे थे ना तो उनको लोग आधे लोग थे, पर फिर मुझे लगा हमें जाना चाहिए था, बट उसमें मैं चल नहीं पाई, मेरा बहुत सफोकेशन हो गया था। और इसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हुआ, और मैं बाहर आई तो मैं वीडियो बना रही थी, पीछे सूरज दिख रहा था, काफ़ी प्रिटी लग रहा था। एंड ये एक बोट चल रही थी तो मैंने उसका कैप्चर कर लिया। देन आप देख सकते कितना अच्छा वेदर है। एंड उसके बाद अब थोड़ी थोड़ी शाम होने ही लग गई थी, फिर फाइनली हम लोग गंजी पहुंच चुके हैं। उससे आगे का वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं सो गई थी, मेरा बहुत सर दर्द हो गया था, क्योंकि मुझे इसमें ना सफोकेशन होता है। और ये वही कंडो फेरी है जिसमें हम आए हुए हैं। देन हम यहाँ से बाहर निकले तो ये भी काफ़ी थोड़ा सा बड़ा ही था। फिर यहाँ हमें गाड़ी लेने आई जिसने हमें मेन रोड पर छोड़ दिया था। देन उसके बाद हम यहाँ पर आए तो देखो अब टाउन कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली पहुँच गए हैं गंजी पर, अब हम लोग टैक्सी लेंगे अपने घर के। देन अभी हम तो टाउन है, अभी जस्ट हम फेरी से उतरे हैं तो अब जा रहे हैं टैक्सी देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग घर पहुँचेंगे। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा सजेस्ट शेयर करें। बाय। फिर थोड़ा सा आ गया है तो हम टैक्सी स्टैंड जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे ये बटन प्रेस किया इस रोड क्रॉस करने के लिए। देन फिर उसके बाद हम टैक्सी में बैठ चुके हैं, तो फाइनली अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और हमारा आगे से दिखा रहा है मीटर के हिसाब से अमाउंट, अभी इससे ज़्यादा होगा, 10 pound समथिंग लगता है, और 10 minute का डिस्टेंस है हार्डली। देन उसके बाद फाइनली हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। सो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जाने वालों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, खुश रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बाय, गुड नाइट।